So hi guys and welcome to today's video in which we're going to discuss our today's chapter which is unit number 6 section number 2 about famous mothers. So this chapter is a kind of essay विच इज़ अबाउट अ मदर सो योर वर्ड्स एक्शन एंड अनकंडीशनल लव मदर्स हैव अ प्रोफाउंड ऑन अ मदर्स गिव अस लाइफ नर्चरर्स एंड सपोर्टर्स एज वी ग्रो फ्रॉम बेबीज टू अर्ल्ट दे टीचर्स टेक केयर ऑफ अस एंड गिव इस एडवाइस अब इतना तो समझ लगी क्या होगा कि विद्यर वर्ड्स एंड एक्शन एंड देर अनकंडिशनल लव अनकंडिशनल का मतलब बिना किसी कंडीशन के बिना किसी uh, अपना फ़ायदा देखे जो लव होता है ठीक है मदर्स हैव अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन देअर चिल्ड्रेंस Our mothers gave us life, nurture us, and support us, whatever the situation is. Aki Narayan's mother. So, uh, we are going to study about Aki Narayan's mother, what he thinks about his mother. So, my mother was a remarkable woman. Hers was a hectic life. Hectic ka matlab kya hai? Hectic ka matlab very busy and tiring life. So, she had a very busy and Tiring life. We वी हैड रेटिन्यू ऑफ servants. रेटिन्यू का भी क्या मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल फॉलोइंग समन ठीक है रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स इंक्लूडिंग बट शी हैड हर हैंड्स फुल ऑफ मैनेजिंग द हाउस होल्ड क्या हमारे पास नौकर वगैरह थे बट उनके जो उनके हाथ थे ना वो हमेशा मतलब भरे रहते थे फिर भी उसकी जो मॉम थी वो कुछ ना कुछ काम करती रहती थी शी at times. If

रेसिपी फ्राम द मैगजीन एंड मे टूथ पाउडर ओके एंड कम समर एंड शी वुड स्टार्ट रोलिंग आउट पापड़ जब भी पापड़ सो आपको पता ही होगा जो घर में गोल गोल होते हैं ना जो आप पकाते हो रोटी के साथ भी खाते हैं कुछ लोग तो जब भी समर जाते थे तो वो पापड़ बनाना शुरू कर देती है एट होम फ्लैट राउंड पीसेस लाइक चपातीज विच वर ड्राइड ऑन द टेरस विच ड्राइड उनको फिर सुखाने के लिए रख देती थी टेरेस पे ठीक है चिल्ड्रन वुड हॉप अराउंड एंड ट्राई टू हेल्प हर शी नेवर सेड इट वाज अ बॉर्डर बट लेट एस डू व्हाट वी लाइक कि हम जो बच्चे थे बिकॉज वो अभी बच्चे के रूप में ही बोल रहा है ना अपनी मदर के बारे में तो क्या हुआ कि वी वुड हॉप अराउंड कि हम लोग मतलब उसके अपनी मम्मा के आ, इर्द गिर्द मतलब छलांगे वगैरह मस्ती वगैरह करते रहते थे बट उसने ये कभी भी नहीं बोला था कि उसको मतलब कभी ये चीजें तंग करती थी थिंगस माधो हैड सेल हॉबीजन टू बाई लिथोप्रिंस ऑफ गॉड्स एंड ह्यूमन बींग्स लिथोप्रिंट्स अभी लिथोप्रिंट्स का क्या मतलब है यहाँ पे लिथोप्रिंट्स अस्पेश मेथड ऑफ़ प्रिंटिंग पिक्चर्स ठीक है कि वो लिथो प्रिंट्स खरीदती थी ऑफ गॉड एंड ह्यूमन अप वुम विद्स ऑफ क्लोथ मिरर्स बेड्स एंड सीक्वेंस ठीक है ऐसे ऐसी चीज़ों से उन्हें डेकोरेट कर देती थी हाउ हीडियस दे लुक हीडियस का अभी क्या मतलब है कि अगली कि उन्हें अच्छे नहीं लगते थे ऑब्वियसली वो बच्चे थे उन्हें अगले आ, अच्छे नहीं लग रहे होंगे सो दे लुक बट इन दोज डेज देवर इन फैशन के ये जो लीथो प्रिंट्स वगैरह थे या फिर उन्होंने ड्रेसिंग अप करने वगैरह का कर, तब उस जमाने में

लेस साड़ी एंड गाउड़ी अभी गाउड़ी ज्वेलरी का क्या मतलब है लैकिंग टेस्ट ब्राइट एंड शाइनी ठीक है कि ब्राइट एंड शाइनी मतलब बहुत ही ज़्यादा चमकीली सी ज्वेलरी पहनी हुई थी उसने सो मदर वॉज गुड एट बोथ टेनिस एंड बैडमिंटन के उसकी जो मम्मी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी एट बोथ टेनिस एंड बैडमिंटन शी ऑल्सो प्लेड गोल्फ दैट वो गोल्फ भी खेलती थी शी वोज अनबीटन लोकल चेस चैम्पियन लोकल चेस चैम्पियन के मतलब जो अपना एरिया होता है आसपास का लोकल मतलब एक कोई भी आपका शहर वगैरह हो गया एक कोई भी आपका विलेज वगैरह हो गया उसको हम लोग लोकल बोल देते हैं शी प्लेड अ गुड गेम ऑफ ब्रिज एज वेल ब्रिज क्या है ब्रिज इज अ कार्ड गेम ठीक है सो इट इज़ अ कार्ड गेम सो शी प्लेड अ गुड गेम ऑफ ब्रिज एज वेल एट होम वी लव इट वेन शी जॉइन फॉर कैरम और कार्ड गेम्स दैट जब भी वो हमें कैरम या फिर कार्ड गेम्स के लिए ज्वाइन करती थी तो हमें बड़ा अच्छा लगता था ठीक है शी प्राउड सो मच लाइफ एंड लाफ्टर विद हर के वो मतलब पूरी लाइफ को हमारी को उसने खुशियों के साथ भर दिया था आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई मदर वट एवर आई नाउ आई नो आई लर्न फ्रॉम हर वट अ विरेशियस रीडर्स शी वॉज के मैं कि मैंने आज तक जो भी सीखा है अपनी मॉम से सीखा है वट अ विरेशियस शी वॉज विशियस रीडर का क्या मतलब है समवन हु रीड्स अ लॉट ऑफ बुक्स सम हु लव्स रीडिंग बुक्स के जिसको बुक्स रीड करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था उसको हम लोग विरेशियस रीडर बोल देते हैं शी एर नेवर स्टेप डू स्कूल और कॉलेज बट देयर वॉज नथिंग शी डिड नॉट नो अबाउट संस्कृत एंड तमिल लिटरेचर कि वो कभी भी स्कूल या फिर कॉलेज नहीं गई थी बट ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे ना पता हो इंग्लिश के बारे में संस्कृत के बारे में दिन द नेक्स्ट वन इज दैट शी केप्ट अप विद इंग्लिश राइटिंग थ्रू ट्रांसलेशंस कि जो इंग्लिश राइटिंग होती है आपकी वो भी वो करती थी थ्रू ट्रांसलेशंस ट्रांसलेशन मतलब जो भी आपके गूगल ट्रांसलेटर वगैरह हो गए ठीक है उसकी मदद से वो इंग्लिश में राइटिंग भी करती थी वी बॉयज़ वुड रीड टू हर एंड टेल हर एवरी थिंग वी फाउंड इन बुक्स एंड मैगजींस कि हमें जो कुछ भी मिलता था बुक्स एंड मैगजीन में हम इन्हें सब कुछ बता देते थे, थे. हाउ मनी मिथ्स एंड लेजेंड्स शी न्यू आई मस्ट सी दैट द बेस्ट वर्जन ऑफ़ रामायण एंड महाभारत आई नो आर फ्राम हर स्टोरी टेलिंग मिथ्स एंड लेजेंड्स अभी मिथ्स मतलब जो भी वहम वगैरह होते हैं आपके लेजें हो के जो भी पुरानी कहानियाँ बहुत ही ज्यादा पुरानी कहानियाँ होगी लाइक एज यू कैन टेक कृष्ण भगवान की कहानियाँ ठीक है महाभारत की कहानियाँ रामायण की कहानियाँ ठीक है सारी ये कहानियाँ क्या है दे आर लेजेंड्स बिकॉज दे आर ओल्ड ओके सो आई मस्ट दैट द बेस्ट वर्जन्स ऑफ रामायण एंड महाभारत आई न्यू आर फ्रॉम हर स्टोरी टेलिंग के जो कुछ भी मुझे पता है रामायण एंड महाभारत के बारे में उन्होंने जो हमारी हमें कहानियाँ सुनाई थी मुझे उससे भी पता है एट नाइट शी वुड कम अप टू लाई ऑन हर बेड अप स्टेयर्स देन ऑल ऑफ अस वुड डेदर अराउंड हर के जब भी वो अपने रूम में जाती थी हम भी रात को उनके रूम में चले जाते थे ठीक है वी वुड चैट क्रैक जोक टेल स्टोरीज टेल हर अबाउट अवर फ्रेंड्स आस्को आर एडवाइस जस्ट थिंकिंग अबाउट टाइम्स मेक्स मी हैप्पी हाउ लकी वी वर् टू हैव सच अ वंडरफुल मतर ओके तो फिर क्या करते थे वो मतलब चैट करते थे आपस में बातें करते थे क्रैक जोक्स जोक्स वगैरह करते थे एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते थे अपने फ्रेंड्स के बारे में बताते थे एडवाइस भी लेते थे उनसे सो इन दिस वे जस्ट थिंकिंग अबाउट दोज टाइम्स मेक द राइटर्स हैप्पी मेक्स मी हैप्पी ठीक है हाउ लकी यू हैव हाउ लकी यू वर्ड टू हैव सच अ वंडरफुल मदर कि हम कितने लकी थे कि हम इतनी अच्छी मॉम मिली ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर आई होप यू अंडरस्ट द चैप्टर द न्यू वीडियो विल कम वेरी वेरी सून सब्सक्राइब टू अर चैनल लाइक दिस वीडियो आई मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर बाय बाय